हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मामून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेज चाउमीन की रेसिपी। तो फिर चले इसे शुरू करते हैं। पहले हम नूडल्स को उबाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाला है, नमक डाल देंगे एक चम्मच भर के ताकि नूडल्स पक जाने के बाद फीके ना लगे। एक छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तब हम नूडल्स को डाल देंगे। नूडल्स को पानी में डालने के बाद इसे कुछ टाइम छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। नूडल्स यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे चला देंगे ताकि सारे नूडल्स चारों तरफ अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे नूडल्स पक चुके हैं। अब इसे हम निकाल देंगे। ध्यान रहे कि हमें नूडल्स को पूरी तरीके से कुक नहीं करना है। यहाँ पर मैंने नूडल्स को छान लिया है। अब इसे हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि नूडल्स का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए और ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। इसे वॉश करने के बाद एक प्लेट में फैला देंगे और इसे पंखे के नीचे रख देंगे। बाकी का प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे पैन को हीट किया है। डाल देंगे 3 चम्मच ऑयल। ऑयल को हम चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई रखा है। पहले हम डाल देंगे लहसुन। 4 से 5 लहसुन को मैंने इसे लंबाई में कट किया है। अब इसे हाई फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है। लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद डाल देंगे प्याज। प्याज के साथ हम गाजर भी डाल देंगे। हमने जो भी सब्जी ली है उसमें से गाजर को पकने के लिए टाइम लगेगा, तो मैंने इसे पहले से ही प्याज के साथ डाला है। अब इसे हाई फ्लेम पर आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि आगे हम सॉस डालने वाले हैं और सॉस में नमक होता है। प्याज और गाजर थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद डाल देंगे पत्ता गोभी और ये शिमला मिर्च। सब्जी आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड करें। सारे सब्जी डालने के बाद इसे भी हम हाई फ्लेम पर आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। सारे सब्जियां यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब हम पके हुए नूडल्स को डाल देंगे। नूडल्स को डालने के बाद सारे सॉस को डाल देंगे। एक छोटा चम्मच विनेगर डाल देंगे। इसके जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम सोया सॉस डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ काली मिर्च डाल देंगे। साथ में डाला है मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हो। सारी चीज़ें डालने के बाद अभी से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी में आप इसे मिक्स करें। इसे मैंने पूरी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हमारा वेज चाउमीन बन के तैयार। अब इसे ले चलते हैं सर्व करने के लिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।